हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ द मूवी ट्रेलर एंड मूवी नेम इज हर किस्से के हिस्से कामयाब। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। माल मडरलैंड पहुंच गया, घर आदमी खबर लाते ही होगा। और तू जिंदा कैसे बच गया शेरा? कभी एक जिम्मेदार डॉक्टर तो कभी एक होनहार इंस्पेक्टर अलग अलग रंग में ढल जाते थे, लेकिन उनका सबसे सुप्रसिद्ध ध्रुव रहा शेरा का। Enjoying life, awesome guy. शक्ति कपूर सर बालों में क्या लगाते हैं? नेचुरल है सर, मैं आपके लिए रोल होता हूँ 500। चावल से रिसोटो बनाना बड़ा मुश्किल है। वैसे मैं आपको जानती हूँ, बड़ा मुश्किल है। सर हम फाइनल हो गए, आपका 500 दिन का सपना पूरा हो गया सर। तो मेरी ले तो नहीं रहा ना? मैं नहीं ले रहा, प्रोड्यूसर ने ले लिया। अब इन सीरियस पिछली फिल्म में क्या हुआ भूल गए हमें, आपको याद दिला। पांचवा रोल लाया ढूंढ के, इतना बढ़िया रोल लाया, पूरी जिंदगी बदल जाती है आपकी, दिल तोड़ गया आपने। रिकॉर्ड बन गया आपका, पापा अगर आप 1000 रोल भी कर लेना, रहेंगे आप वही पुराने साई डॉक्टर। बस एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन क्या है? वाओ, वेरी नाइस, गुड, ग्रेट, सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। हिंदी लैंग्वेज मूवी है, ड्रामा मूवी है, और इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी के राइटर हैं हार्दिक मेहता, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया गौरी खान ने, मनीष मंद्रा ने और गौरव वर्मा ने। और इस मूवी की जो कास्ट में मेन लीड में शामिल है वो है संजय मिश्रा, उनके साथ हैं दीपक दोप्रियाल जो कि मेन लीड कास्ट में। और इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं राधिका आनंद ने और हार्दिक मेहता ने, और इस मूवी का म्यूजिक दिया है रिचिता अरोड़ा ने। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, क्योंकि मुझे तो काफ़ी जानदार और शानदार किस्म का लगा, और दिल को छू लेने वाला, हार्ट टचिंग, और बहुत अच्छे और यूनिक और बेहतरीन किस्म के सब्जेक्ट पर मूवी बनाई गई है, जो कि बहुत मज़ा आएगा इसे जब आप देखेंगे तो एंजॉय कर सकेंगे, और आपके दिल को छुएगी, और आपको बहुत एंटरटेन भी करेगी, जो कि आप कह लें कि आप जज्बाती भी हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बहुत डीप सेंसिटिव और गहरा सब्जेक्ट है। बहुत से सारे लोग जो हैं कोई भी मतलब मूवी बनाते हैं किसी भी स्टार की या सुपरस्टार की या सिंगर की या पॉलिटिक्स की या म्यूजिशियन की, तो वो उसकी उसमें कामयाबी दिखाते हैं और उसकी मतलब फेम दिखाते हैं कि वो उसने जीरो से स्टार्ट किया और वो कैसे हीरो बन गया और क्या क्या हुआ। लेकिन इस मूवी के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि सब कुछ करने के बाद फिर एंड क्या होता है, एंड में जब बंदा आर्टिस्ट होता है, जब वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो से स्टार्ट बंदा जब करता है फिर एंड में वो ज़ीरो पे ज़रूर आता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक वक्त ऐसा आता है कि उसे कोई काम नहीं देता, चाहे वो छोटा एक्टर हो, चाहे साइड एक्टर हो, या जूनियर आर्टिस्ट हो, या कोई भी हो, या सिंगर हो, काम नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग नए लोगों को काम देते हैं, नए लोगों को पूछते हैं, और नई जनरेशन आ जाती है, और फिर वो बंदे
पुराने में शुमार होते हैं, तो फिर कोई साइन नहीं करता चाहे वो जितने बड़े लेजेंड क्यों ना हो। ऐसा ही होता चला आ रहा है, चाहे इंडियन इंडस्ट्री हो चाहे पाकिस्तानी या किसी की भी, नहीं मिलता और बहुत बुरा हाल होता है इनका। और ख़ासकर जो एक्ट्रेस होती हैं, हीरोइन होती हैं, उनका तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर हीरोइन की जो एज हो जाती है तो फिर उसको लीड का काम नहीं मिलता, फिर ज़ाहिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और आजकल के दौर के अंदर तो हर कोई एडवांस और काफ़ी फास्ट और काफ़ी ज़बरदस्त मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है आप कह लें, तो उसमें हर कोई चाहता है कि न्यू फेस आए, न्यू चेहरा आए, पुराने को बहुत जल्दी लोग बूढ़ा कह देते हैं, बूढ़ा करार दे देते हैं, चाहे आप कह लें एक्टर हो एक्ट्रेस या कोई भी। तो मतलब आप कह लें इस मूवी का सब्जेक्ट बहुत कमाल का है कि जब आप जब देखेंगे कि एक आर्टिस्ट के साथ क्या होता है एंड में, और फिर वो मतलब चाहता है कि दोबारा वो कमबैक करे या उसको काम मिले कुछ है, तो उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर उसे बड़ी मुश्किल से कोई छोटा मोटा रोल मिलता है तो लोग उंगलियाँ उस पर उठाते हैं और ताने कसते हैं। मतलब आप कह लें रियल बात में, रियल में ऐसा होता है, क्योंकि ज़ाहिर कहते हैं कि ये काम मिला अच्छा इतना बड़ा आर्टिस्ट था, अब इसकी औकात रह गई। मतलब आप कह लें बहुत बुरे बुरे अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं, और हर जगह ऐसा ही होता जा रहा है, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड लॉलीवुड या वट एवर कोई भी हो, तो यही होता है कि जब अदाकार की लाइफ जब जीरो पे दोबारा आ जाती है तो बहुत मुश्किल और बहुत ख़तरनाक और बहुत हालात वो ऐसे होते हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो उसकी आपको इसमें एक झलक मिलेगी जो कि आपको पता चल सका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इस हवाले से। जब वो देखेंगे तो जानेंगे और समझेंगे, बहुत कुछ देखने को जानने को सीखने को और समझने को मिलेगा, जो कि बहुत मज़ा आएगा और दिल को छुएगा आपके, और आपको बहुत कुछ देखने को पता चलेगा और सीखने को भी, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई और बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर बना के बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम किया गया है, जो कि वाकई में दिल को छू रहा है। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस ट्रेलर को, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो मैं भी बहुत इन्जॉय करूँगा, आप लोग तो ज़रूर करेंगे, और क्योंकि ज़ाहिर बहुत कुछ पता चलेगा जो कि बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत खूबसूरत तरीके से किरदार को संजय मिश्रा ने निभाया, दिल को खुश कर दिया, वैसे ही काफ़ी टैलेंटेड शख्स हैं वो, जो भी किरदार करते हैं परफेक्ट तरीके से निभाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक comment and share my video. See you in next video. Take care. Thanks for watching.